देश में कोरोना वायरस को लेकर अफवाह ना फैले, इसे लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर अफवाहों का दौर समाप्त ही नहीं हो रहा, जिसका असर झारखंड में देखने को मिला, जहां मंगलवार देर रात गुमला जिले के कुदरा और सीसई बस्ती गांव में मुस्लिमों के थूकने पर कोरोना वायरस फैलाने को लेकर माहौल ऐसा बना कि हिंदू और मुस्लिम दंगे हो गए। दंगे भी छोटे नहीं, बल्कि इन दंगों में एक की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटी और 1 बेटा है। एक गांव वाले ने बताया कि मंगलवार देर रात कुदरा गांव में एक मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की को पकड़ा गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और छुप छुप कर मिलते थे। लड़की उसी गांव की थी और लड़का पास के गांव सीसई बस्ती का था। लड़के के साथ 2 और साथी थे जो कि भाग गए कुदरा गांव में। इस बीच ये हल्ला मचा कि मुस्लिम समुदाय के लोग कोरोना संक्रमण फैलाने गांव में आए हैं और जगह जगह पर थूक रहे हैं। इसके बाद गांव वाले ने पकड़े गए युवक की जमकर पिटाई कर दी। तो एकदम घसकल है, तुम नहीं जान रहा अभी का सिस्टम एकदम घसकल है, पता चल गया ना अभी। गधा नहीं तो हम हॉस्पिटल के अंदर कैसे होगा, हॉस्पिटल के अंदर की बाहर हुआ है? अंदर हुआ है, ऐसे हो ना, थोड़ा सा इधर हो, कमर में भी चोट लगा है। जब पास में ही सीसई बस्ती में इस बात की सूचना पहुंची, तो वो लोग भी भड़क गए और बड़ी संख्या में गांव वाले सड़क पर जमा हो गए। इस दौरान उसी गांव का एक आदिवासी घर से मामले को जानने निकला, लेकिन मुस्लिमों के समुदाय ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और दोनों समुदाय के 22 लोगों को पकड़कर पूछताछ जारी है। न्यूज़ डेस्क।